आपने काफ़ी बार बिग बॉस के घर में एक वाक्य सुना होगा, अरे मैं फर्स्ट एड हो चुका हूँ, अरे मुझे ऐसा हो चुका है। लेकिन असली फर्स्ट एड क्या होना होता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में एजाज, रुबीना, जासमीन, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अभिनव, वो सभी जो है एक साथ खेल रहे हैं। और जब आप एक साथ खेलते हो तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं लगता कि क्या घर के अंदर बोरिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसी एक अकेले घर में एक अलग से बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? वेल, आप भी ये सोचकर जो है कहीं ना कहीं चकरा गए सेम होंगे। कुछ उसी तरह से हुआ है अली गोनी के साथ। अली गोनी को एक अलग से कमरे में रख दिया गया है, वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकते। कल के जो वीकेंड का वार हुआ था, सैटरडे वाला, परसों का, वहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत डांस करने को मिल गया था, लेकिन उसके अलावा वो हमें बिल्कुल भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिले। अब जो उनके अंदर उतने दिनों से गुस्सा भर रहा था कि उन्हें क्यों नहीं दिखाया जा रहा, कहाँ वो जा रहे हैं, शो में नहीं दिख रहे हैं, वो फूट गया। ऐसा फूटा, ऐसा फूटा कि सभी देखते ही रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि भाई ये अली गोनी को एकदम से हुआ तो हुआ गया। तो अली गोनी यहाँ पे कहते हुए भी नजर आते हैं कि भाई बिग बॉस, अब तुम्हें भी जो करना है तुम भी कर लो, ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं अपना जो है माइक पहनूंगा, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे इस काल खोटरी से बाहर निकालो, मैं बिग बॉस में इस सड़े हुए कमरे में बंद होने के लिए थोड़ी ना आया हूँ कि यहाँ पर मैं बंद हो जाऊँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना गुस्सा अचानक से ऐसा कैसा? देखिए, मुझे तो लगता है ये गुस्सा एकदम से आया क्योंकि लास्ट टाइम जो हमें देखने को मिले थे वो था शैतान वाला टास्क। उसके बाद बिल्कुल भी वो कहीं ना कहीं गुम ही हो गए, दिखाया ही नहीं गया। और जब सैटरडे का भी जिस दिन हुआ उस दिन भी थोड़ा सा कहीं उन्हें डांस करते हुए दिखाया गया, संडे में तो वो देखने को ही नहीं मिले। वो भी सलमान खान ने एक बार कह लिया कि भाई तुम वहीं पर ठीक तो हो ना, मतलब तुम बैठे तो हो ना, बस इतना सा। और उसके बाद ये जो गुस्सा फूटा है, वो ये जो उनका गुस्सा फूटा है वो बिग बॉस तक को झंझोर कर रख देगा, क्योंकि ये बंदा हो चुका है फर्स्ट एड, एक ही जगह में बैठे हुए, वो भी हफ्ते से। वेल, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें।